नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। आइए आज हम सभी जानेंगे तेजा जी के बारे में। जी हाँ, तेजा जी के बारे में। तेजा जी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात प्रांतों में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किसान वर्ग अपनी खेती की खुशहाली के लिए तेजा जी को पूजता है। तेजा जी के वंशज मध्य भारत के खिलचीपुर से आकर मारवाड़ में बसे थे। नागवंश के धवल राव अर्थात धौला राव के नाम पर धौलिया गोत्र शुरू हुआ। तेजा जी के बुजुर्ग उदयराज ने खड़नाल पर कब्जा कर अपनी राजधानी बनाया। खड़नाल परगने में 24 गांव थे। तेजा जी ने 11वीं सदी में गायों की डाकू से रक्षा करने में अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। वे खड़नाल गांव के निवासी थे। भादो शुक्ला दशमी को तेजा जी का पूजन होता है। तेजा जी का भारत के जाटों में महत्वपूर्ण स्थान है। तेजा जी सत्यवादी और दिए हुए वचन पर अटल रहते थे, इसीलिए उनको इतना पूजा जाता है। उन्होंने अपने आत्म बलिदान तथा सदाचारी जीवन से अमरत्व प्राप्त किया था। उन्होंने अपने धार्मिक विचारों से जनसाधारण को सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और जनसेवा के कारण निष्ठा अर्जित की। जात पात की बुराइयों पर रोक लगाई, शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश दिलाया, पुरोहितों के आडंबरों का विरोध किया। तेजा जी के मंदिरों में निम्न वर्गों के लोग पुजारी का कार्य करते हैं। समाज सुधार का इतना पुराना कोई और उदाहरण नहीं है। उन्होंने जनसाधारण के हृदय में सनातन धर्म के प्रति लुप्त विश्वास को पुनः जागृत किया था। इस प्रकार से तेजा जी ने अपने सद्कार्यों एवं प्रवचनों से जनसाधारण में नव चेतना जागृत की। लोगों की जात पात में आस्था कम हो गई, कर्म शक्ति भक्ति एवं वैराग्य का एक साथ समायोजन दुनिया में सिर्फ वीर तेजा जी के जीवन में ही देखने को मिलता है। तेजा जी का जन्म परिचय आइए जान लेते हैं। लोक देवता तेजा जी का जन्म एक जाट घराने में हुआ था जो धौलिया वंशी थे। नागौर जिले में खड़नाल गांव में ताहर जी थिरराज और राम कुंवरी के घर माघ शुक्ल पक्ष के 14 संवत 1130 तथा 29 जनवरी 1974 में हुआ था। उनके पिता गांव के मुखिया थे। यह कथा है कि तेजा जी का विवाह बचपन में ही पनेर गांव में राय मलजी की पुत्री पेमल के साथ हो गया था, किंतु शादी के कुछ ही समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा में कहासुनी हो गई और तलवार चल गई, जिसमें पेमल के मामा की मौत हो गई। इस कारण से उनके विवाह की बात को उन्हें बताया नहीं गया था। एक बार तेजा जी को उनकी भाभी ने तानू के रूप में यह बात उनसे कह दी। तब तानू से त्रस्त होकर के अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए घोड़ी लीलण पर सवार होकर अपनी ससुराल पनेर चले गए। रास्ते में तेजा जी को एक सांप आग में जलता हुआ मिला तो उन्होंने उस सांप को बचा लिया, किंतु वह सांप जोड़े के बिछुड़ जाने के कारण अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्हें डसने लगा। तब उन्होंने सांप को लौटते समय डस लेने का वचन दिया और ससुराल की ओर आगे बढ़ गए। उन्होंने सांप से आग्रह किया, मुझे छोड़ दो, मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वहां किसी अज्ञानता के कारण ससुराल पक्ष से उनकी अवज्ञा हो गई। नाराज तेजा जी वहां से वापस लौटने लगे। तब पेमल से उनकी प्रथम भेंट उसकी सहेली लाछा गुजरी के यहाँ हुई। उसी रात लाछा गुजरी की गायें मेर के मीरा चुरा ले गए थे। लाछा की प्रार्थना पर वचनबद्ध होकर के तेजा जी ने मीरा लुटेरों से संघर्ष करके गायें छुड़वाई थी। इस गौरक्षा युद्ध में तेजा जी अत्यधिक घायल हो गए। वापस आने पर वचन के पालन में सांप के बिल पर आए तथा पूरे शरीर पर घाव होने के कारण जीभ पर सांप से कटवाया। किशनगढ़ के पास सुरसरा में सर्पदंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल 10 संवत 1160 तदनुसार 28 अगस्त 1103 को हो गई तथा पेमल ने भी उनके साथ जान दे दी। उस सांप ने उनकी वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। इसी वरदान के कारण तेजा जी भी सांपों के देवता के रूप में पूज्य हुए। गांव-गांव में तेजा जी के देवरे या थान में उनकी
तलवारधारी अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति भी होती है। इन देवरों में सांप के काटने पर जहर चूस करके निकाला जाता है तथा तेजाजी की तांत बांध दी जाती है। तेजाजी के निर्वाण दिवस भद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। तेजाजी का जन्म धौलिया गोत्र के जाट परिवार में हुआ था। धौलिया शासकों की वंशावली कुछ इस प्रकार से है, आइए जान लेते हैं इस बारे में भी। महारावल, भौमसेन, पीलपंजर, सारंगदेव, शक्तिपाल, रायपाल, धवलपाल, नयनपाल, घर्षणपाल, तक्कपाल, मूलसेन, रतनसेन, शुंडल, कुंडल, पिप्पल, उदयराज, नरपाल, कामराज, बोहितराव, ताहरदेव, तेजाजी। तेजाजी के बुजुर्ग उदयराज ने खरनाल पर कब्जा करके अपनी राजधानी बनाया। खरनाल परगने में 24 गांव थे। तेजाजी का जन्म खरनाल के धौलिया गोत्र के जाट कुलपति ताहरदेव के घर में 14 बार गुरु शुक्ल माघ सहस्त्र 130 को हुआ। तेजाजी के जन्म के बारे में मत है, जाट वीर धौलिया वंश गांव खरनाल के माए, आज दिन सुभस भंसे बस्ती फुला छाए, शुभ दिन 14 वार गुरु शुक्ल माघ पहचान, सहस्त्र 130 में प्रकटे अवतारी ज्ञान। तेजाजी का हल सौतिया जान लीजिए। जेठ के महीने के अंत में तेज बारिश हो गई। तेजाजी की माँ कहती हैं, जा बेटा हलसोतिया तुम्हारे हाथ से कर। गाज्यो गाज्यो जेठर अषाढ़ कंवर तेजार्या, लग तो ही गाज्योरा सावण भादवो, सुतो सुतो सुख भर नींद कंवर तेजारे, थारोड़ा साथेड़ा बीजं बाजरो। सूर्योदय से पहले ही तेजाजी बैल हल बीजना पिराणी लेकर के खेत जाते हैं और स्यावर माता का नाम लेकर के बाजरा बीजना शुरू कर देते हैं। उठियो उठियो पौर के तड़क कुंवर तेजारा, माथ तो बाध्यो हो धौलो पोतियो, हाथ लियो हलियो पिराणी कवर तेजारा, बाल्या तो समदायर घर सू निसरियो, कांकड़ धरती जाए निवारी कुंवर तेजारा, स्यावर न मनाओ बेटो जाको, भरी भरी 20 हलाया कुंवर तेजारा, धोलीर दुपहरी हलियो ढावियो, धोरा धोरा जाए निवारियो कुंवर तेजारा, बारहर कोसारी बाई आवड़ी। तेजाजी का भाभी से भी संवाद हुआ। नियत समय के उपरांत तेजाजी की भाभी छाक यानी कि रोटियां लेकर के आई। तेजाजी बोले, बैल्या भूखा रात का बिना कलेवे तेज, भावज धासु बिनती कठे लगाई जेज। देवर तेजाजी के गुस्से को भावज झेल नहीं पाई और काम से भी पीड़ित थी। उसने चिढ़ने के लहजे में कहा, मड़ पिस्यो मड़ पोयो कंवर तेजारा, मड़ को रान्यो खाटो खींचड़ो, लीलण खातर दल्यो दाणो कंवर तेजारा, साथ है तो ल्याई भातो नीरणी, दौड़ी लार की लार आई कंवर तेजारा, महारा गीगान छोड़ आई झुले रोवतो, एहड़ा काई भूख भूखा कंवर तेजारा, थारी तो परणी बैठी बाप का। भाभी का जवाब तेजाजी के कलेजे में चुभ गया। तेजाजी ने रास और पुराणी फेंक दी और ससुराल जाने की कसम खा बैठे। ऐ संभालियो थारी रास पुराणी भाभी माराओ, अब महे तो प्रभात जास्यांग सासर, हरिया हरिया थे घास चरलियो बैलांग माराओ, पानीड़ो पीवो न थे गैण तड़ावरो। तेजाजी का माँ से भी संवाद हुआ। खेत से तेजाजी सीधे घर आए। तेजाजी ने कहा, माँ मेरी शादी कहाँ और किसके साथ हुई? तेजाजी की माँ को खरनाल और पनीर की दुश्मनी याद आ गई, पर अब बताने को मजबूर होकर के माँ बोली, ब्याव हो ताही खांडा खड़क गया बेटा बैर बढ़गो, थारा बाप के हाथ सू छोरी को मामो मरगो, थारो मामो सा परण आया पीड़ा पोतड़ा, गढ़ पनेर पण ससुराल कंवर तेजारा, राय मल जीरी पेमल थारी गौरजा।
उस समय के रिवाज के अनुसार तेजा जी का विवाह उनके ताऊ बक्साराम जी ने तय किया। मामा ने शादी की मुहर लगाई। तेजा जी का विवाह रायमल की बेटी के साथ पीले पोतड़ों में होना बताया। बहन राजल को ससुराल से लाना। जी हाँ, तेजा जी की भाभी ने कहा कि ससुराल जाने से पहले बहन राजल को लाओ। पहली थारी बैनर न ल्याओ, थे कमर तेजारा, पाछे तो सिधारो थार सासरो। उधर तेजा जी की बहन राजल को भाई के आने के सगुन होने लगे। वह अपनी ननद से बोली, डाई डाई आँख फरूखे, नर्दल बाई ये, डाओ तो बोलियो है कौलो कागलो, का तो जामर जायो बीरो आसी बाई वो, कबो बाबो सा आण आवसी। बहन के ससुराल में तेजा जी की खूब मनुहार हुई। रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह तेजा जी बहन के सास से बोले, बाई सान पहिरिए भेजो नी सास बाईरा, मायर तो महान लेबान भेजो, चार दिना की मिजमानी घना दिना सु आया, राखीरी पूनम न पाछा भेज्या, सीख जल्दी घणी देवो सगी महारा वो, महान तो तिज्या पर जाणो सासर। भाई बहन रवाना होकर के अपने गांव खरनाल पहुंचते हैं। सभी को चूरमा एवं पतासे बांटे जाते हैं। तेजल आयो गांव में, ले बैंडन न साथ, हरक बांध्य बट रही बड़े प्रेम के साथ। तेजा जी का पनेर जाना हुआ। तेजा जी अपनी माँ से पनेर जाने की अनुमति मांगते हैं, वह मना करती हैं। तेजा जी के दृढ़ निश्चय के आगे माँ की एक नहीं चली। भाभी कहती हैं कि पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवा करके ससुराल रवाना होना। पंडित शुभ मुहूर्त के लिए पतड़ा देख करके बताता है कि श्रावण एवं भादवा के महीने अशुभ हैं। मुहूर्त पतड़ा मैं कोनी, कुंवर तेजारा धौड़ी तो दिख तेजा देवली, सावण भादवा थार भार कुंवर तेजारा, पांच तो जाजो सासर। पंडित की बात तेजा जी ने नहीं मानी। तेजा जी बोले, मुझे तीज से पहले पनेर जाना है। शेर को कहीं जाने के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है। गाड़ा भर दियो धान सूं, रोकड़ रुपया भेंट, तीजा पहल्या पूगणो नगरी पनेरा, ठेठ सिंह नहीं मोहरत, समझ जब चाहे जठे जाए, तेजल न बैठे रूकणु जद शहर पनेर आए। लीलन पर पलाण माण सूरज उगने से पहले तेजा जी रवाना हुए। माँ ने कलेजे पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। माता बोली, हिवण पर हाथ रख, आशीष देवू कुल दीपक म्हारा रे, बेगा तो ल्याज्यो पेमल गोरड़ी। बरसात का मौसम था। रास्ते में कई नाले और बनास नदी पार की। रास्ते में बालू नाग मिला, जिसे तेजा जी ने आग से बचाया। तेजा जी को नाग ने कहा, सुरा तूने मेरी जिंदगी बेकार कर दी, मुझे आग में जलने से रोक करके तुमने अनर्थ किया है, मैं तुझे डसूंगा तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। कुंवर तेजा जी ने नाग से कहा, नागराज मैं मेरे ससुराल जा रहा हूँ, मेरी पेमल लंबे समय से मेरा इंतजार कर रही है, मैं उसे लेकर के आऊँगा और शीघ्र ही बाम्बी पर आऊँगा, मुझे डस लेना। कुंवर तेजा जी पत्नी को लेकर के मरणासन अवस्था में भी वचन पूरा करने के लिए नागराज के पास आए। नागराज ने तेजा जी से पूछा कि ऐसी जगह बताओ जो घायल न हुई हो। तेजा जी की केवल जीभ ही बिना घायल की बची थी। नागराज ने तेजा जी को जीभ पर डस लिया। तेजा जी के भारत में अनेक मंदिर हैं। तेजा जी के मंदिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा हरियाणा में हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री पीएन ओक का दावा है कि ताजमहल शिव मंदिर है, जिसका असली नाम तेजो महालय है। आगरा मुख्यतः जाटों की नगरी है। जाट लोग भगवान शिव को तेजा जी के नाम से जानते हैं। एक पत्रिका के जो कि 28 जून 1971 में उसमें छपा था, उसके अनुसार जाट लोगों के तेजा मंदिर हुआ करते थे। अनेक शिवलिंगों में एक तेज लिंग भी होता है, जिसके जाट लोग उपासक थे। इस वर्णन से भी ऐसा प्रतीत होता है कि ताजमहल भगवान
तेजा जी का निवास स्थल तेजो महालय था। श्री पी एन ओक अपनी पुस्तक ताजमहल इज ए हिंदू टेम्पल प्लेस में 100 से भी अधिक प्रमाण एवं तर्क देकर के दावा करते हैं कि ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महालय है। तो ये थी आज की स्टोरी आप सभी के लिए वीर तेजाजी से रिलेटेड। आगे आप और कौन सी स्टोरी या किस शहर के बारे में जानना चाहते हैं या किस देवता के बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप सभी के लिए वो एपिसोड लेकर के आएं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।